कभी हार मत मानो क्योंकि महान चीजें अधिक समय लेती है। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे वीकली परफॉर्मेंस के बारे में। इंटेलिजेंस ने अपनी परफॉर्मेंस शीट में क्या रिकॉर्ड किया था, कितना था प्लस, कितना था माइनस, पूरा डिस्कस करते हैं एक बहुत छोटे से, एक बहुत शानदार से वीडियो में। एंड मेरे पीछे जो स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है ये है वीक 14 स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल को और एंड हुआ था 5 अप्रैल को, उसका पूरा डिटेल। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज आज हमारे पास एक नहीं दो नहीं तीन से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं और उसके अलावा ऑल सेगमेंट अंडर वन रूफ। अगर आपको MCX में काम करना है तो उसमें बहुत सारे वेरियस प्लान्स हैं। रामबाण बेसिक प्लान है जिसमें मॉर्निंग और इवनिंग को लेवल्स मिलते हैं, चार्ट्स भी मिलते हैं, आप उस पर सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 भी लगा सकते हैं, इवन बोलिंगर बैंड भी लगा सकते हैं। और उसके अलावा आपको इवनिंग को भी शीट मिलती है। सो रामबाण के बाद त्रिशूल, त्रिशूल के बाद ब्रह्मास और ब्रह्मास के बाद महाबाहुबली, और उसके अलावा इंडेक्स ऑप्शन, देन इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन। आपको मतलब इंटेलिजेंस में एक बार आप आ गए तो आपको कहीं पर भी जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सो मेरे पीछे जो स्क्रीन दिख रहा है आप देखेंगे कि 1 अप्रैल इक्विटी कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, इंडेक्स फ्यूचर कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, इंडेक्स ऑप्शन मंडे को कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ और स्टॉक ऑप्शन के लिए मंडे अच्छा था। आप देखेंगे 2800 रुपीज़ हमने प्लस में क्लोज किया है। देन करेंसी कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ और रामबाण में आप देखेंगे 500 रुपीज़, एक बहुत छोटा सा अमाउंट है, 500 रुपीज़ मंडे को हमने प्लस में क्लोज किया है। देन ब्रह्मास्त्र को आप देखेंगे कि मंडे बहुत अच्छा था, 78,000 रुपीज़ हमने प्लस में क्लोज किया है। उसके बाद महाबाहुबली के लिए मंडे उतना अच्छा नहीं था, आप देखेंगे 67,590 रुपीज़ हमने माइनस में क्लोज किया। तो अगर माइनस है तो भी इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यस हमारी परफॉर्मेंस शीट में हमने माइनस में क्लोज किया। ऐसा चैनल मैंने कहीं पर भी नहीं देखा जहाँ इतनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी हो। देन त्रिशूल में आप देखेंगे 1250 रुपीज़ हमने माइनस में क्लोज किया। तो ओवरऑल आप देखेंगे स्टॉक ऑप्शन का प्लस करेंगे, देन रामबाण का प्लस करेंगे, ब्रह्मास्त्र का प्लस करेंगे और महाबाहुबली का माइनस करेंगे और त्रिशूल का एक छोटा सा अमाउंट माइनस करेंगे, स्टिल हमने 12,460 रुपीज़ मंडे को हमने प्लस में क्लोज किया। देन 2 अप्रैल ट्यूसडे आप देखेंगे इक्विटी कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, इंडेक्स फ्यूचर में एक अच्छा दिन था, 7,800 रुपीज़ हमने प्लस में क्लोज किया है, इंडेक्स ऑप्शन के लिए ट्यूसडे अच्छा नहीं था, 3,000 रुपीज़ हमने माइनस में क्लोज किया है। देन स्टॉक ऑप्शन और करेंसी कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। उसके बाद रामबाण में एक अच्छा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई, आप देखेंगे ट्यूसडे को 17,300 रुपीज़ हमने ट्यूसडे को प्लस में क्लोज किया है। देन ब्रह्मास्त्र के लिए मंडे को जितना आया था ट्यूसडे को कह सकते हैं उतना चला गया, उससे थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा चला गया, आप देखेंगे 85,000 रुपीज़ हमने माइनस में क्लोज किया है। और महाबाहुबली के लिए भी उतना अच्छा दिन नहीं था, 1,21,500 रुपीज़ हमने माइनस में क्लोज किया है। और उसके बाद आप देखेंगे त्रिशूल में एक मंडे के बाद ट्यूसडे को अच्छा सा कमबैक हुआ, आप देखेंगे 10,500 रुपीज़ हमने प्लस में क्लोज किया है। तो ओवरऑल ट्यूसडे 2 अप्रैल बहुत अच्छा दिन नहीं था, आप देखेंगे कि 1,73,900 रुपीज़ हमने माइनस में क्लोज किया है। देन मिड ऑफ द वीक वेडनेसडे आप देखेंगे इक्विटी 2,498 रुपीज़ माइनस में क्लोज किया है। तो इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि वीक 14 जो था वो इंटेलिजेंस की परफॉर्मेंस शीट के लिए उतना अच्छा नहीं था। बट डोंट वरी, जैसा अमित जी हर बार बोलते हैं कि अगर पहला वीक ख़राब है तो कोशिश यही होती है और भगवान भी हमारे साथ देता है कि शायद 3rd वीक या 4th वीक हमारा बहुत अच्छा जाता है, परफॉर्मेंस शीट बहुत स्ट्रांग होती है। सो आप देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर में 5,000 माइनस में क्लोज किए, इंडेक्स ऑप्शन में 6,800 रुपीज़ माइनस में क्लोज किए, स्टॉक ऑप्शन में 3,850 रुपीज़ माइनस में क्लोज किए, करेंसी में कुछ भी पार्टिसिपेशन आप देखेंगे नहीं हुआ, देन रामबाण में 6,500 रुपीज़ वेडनेसडे को रामबाण में हमने प्लस में क्लोज किए, देन ब्रह्मास्त्र में 1,000 रुपीज़ माइनस में क्लोज किए, देन महाबाहुबली में ट्यूसडे मंडे जो माइनस था, वेडनेसडे को आप देखेंगे कि एक प्रॉफिट बुकिंग हुई, 1,42,200 रुपीज़ हमने प्लस में क्लोज किया। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि इक्विटी का माइनस करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन का माइनस करेंगे, देन रामबाण का प्लस करेंगे, ब्रह्मास्त्र का माइनस करेंगे और महाबाहुबली का अच्छा खासा अमाउंट प्लस में आप देखेंगे, तो टोटल हम 1,29,552 रुपीज़ हमने प्लस में क्लोज किया। तो इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है कि ऑलरेडी हम लोग 1 तारीख और 5 तारीख के पहले इनफैक्ट फंड एलोकेशन डाल देते हैं, उसको फॉलो करिए और कोशिश करिए कि सभी सेगमेंट में एक्टिव हो जाइए अगर आपका फंड साथ देता है। देन वेडनेसडे के बाद हम बात करेंगे थर्सडे की, 4 अप्रैल अगेन इक्विटी में माइनस अमाउंट है 2,675, देन इंडेक्स फ्यूचर में एक अच्छा सा कमबैक हुआ, 13,600 रुपीज़ हमने प्लस में क्लोज किया है, देन इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, करेंसी में कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, रामबाण के लिए उतना अच्छा नहीं था, 11,750 रुपीज़ हमने माइनस में क्लोज किया है, देन ब्रह्मास्त्र के लिए अच्छा दिन नहीं था, 3,02,800 रुपीज़ हमने माइनस में क्लोज किया है।
देन महाबाहुबली में एक अच्छा सा कमबैक हुआ थर्सडे को भी, 2,52,000 रुपीज़ हमने प्लस में क्लोज किया है, और त्रिशूल में आप देखेंगे 11,400 रुपीज़ हमने माइनस में क्लोज किया। तो ओवरऑल आप देखेंगे 4 अप्रैल आप देखेंगे ये पूरा 63,025 रुपीज़ हमने माइनस में क्लोज किया थर्सडे को, तो उतना अच्छा दिन वो भी नहीं था थर्सडे। देन 5 अप्रैल की बात कर लेते हैं, इक्विटी 3,513 रुपीज़ हमने प्लस में क्लोज किया है। देन इंडेक्स फ्यूचर 2,700 रुपीज़ हमने प्लस में क्लोज किया है। इंडेक्स ऑप्शन में आप देखेंगे 400 रुपीज़ माइनस में क्लोज किया है। देन स्टॉक ऑप्शन और करेंसी आप देखेंगे कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। देन रामबाण में 4,500 रुपीज़ प्लस में क्लोज किए हैं। देन ब्रह्मास्त्र में 1,73,600 रुपीज़ हमने प्लस में क्लोज किए हैं। उसके बाद महाबाहुबली और सुदर्शन और त्रिशूल में कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, तो आप जीरो देखेंगे। तो फ्राइडे इन ऑल अगर हम बात करें 1,83,913 रुपीज़ हमने प्लस में क्लोज किया है। तो अगर आप टोटल सभी सेगमेंट को देखेंगे, इक्विटी 1,660 रुपीज़ हमने माइनस में क्लोज किया है। इंडेक्स फ्यूचर 19,100 रुपीज़ हमने प्लस में क्लोज किया है। इंडेक्स ऑप्शन माइनस में था 10,200 रुपीज़। देन स्टॉक ऑप्शन भी माइनस में था वीक 14 1,050। देन करेंसी में कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है। रामबाण में आप देखेंगे 17,050 रुपीज़ हमने प्लस में क्लोज किए हैं। देन ब्रह्मास्त्र भी माइनस में था 1,37,200 रुपीज़। महाबाहुबली में आप देखेंगे 2,05,110 रुपीज़। तो महाबाहुबली ओवरऑल वीक 14 बहुत अच्छा था। देन त्रिशूल में भी हमने माइनस में क्लोज किए हैं। तो ओवरऑल आप सभी सेगमेंट को प्लस करेंगे माइनस करेंगे, हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट में 89,000 रुपीज़ प्लस में क्लोज किया। तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था वीक, एंड आई नो आप लोगों ने भी स्ट्रगल किया होगा, बट मैं भगवान से यही प्रे करूँगा कि आगे आने वाला वीक सेकेंड जो होगा इस मंथ का अप्रैल का, और वीक 15 जो होगा अप्रैल का, वो आप लोगों के लिए और इंटेलिजेंस के परफॉर्मेंस शीट के लिए बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, हैव ए गुड मंथ एंड वीक अहेड। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी इन नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ अस और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स।